इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल स्टडी में स्वागत है आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रस और रस के भेद के बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं रस को काव्य की आत्मा या फिर प्राण तत्व कहा जाता है अगला हम देखते हैं रस के अवयव तो रस के चार अवयव या फिर अंग होते हैं परीक्षा में इससे सीधे प्रश्न पूछ पूछा जाता है कि रस के कितने अवयव होते हैं या फिर रस के कितने अंग होते हैं तो इसका आंसर होगा आपका चार रस के चार अवयव या फिर अंग होते हैं पहला है स्थाई भाव दूसरा है विभाव तीसरा है अनुभाव चौथा है संचारी या फिर व्याभिचारी भाव पहला हम देखते हैं स्थायी भाव के बारे में स्थायी भाव का तात्पर्य होता है प्रधान भाव वे भाव जो रस की अवस्था तक पहुंचने में मदद करते हैं उसे स्थाई भाव कहा जाता है स्थाई भाव की संख्या नौ मानी गई है स्थाई भाव ही रस का आधार होता है ये सभी बिंदु आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं स्थाई भाव की संख्या नौ मानी गई है लेकिन दो अन्य आपके भाव होते हैं वात्सल्य और भगवत रति इनको शामिल किए जाने के बाद स्थाई भाव की संख्या ग्यारह हो जाती है अगला है विभाव स्थाई भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं विभाव दो प्रकार के होते हैं आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव आलंबन विभाव का मतलब होता है जिसका सहारा पाकर स्थाई भाव जागते हैं जैसे नायक नायिका आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं पहला है आश्रय आलंबन और दूसरा है विषय आलंबन। आश्रय आलंबन उसे कहा जाता है जिसके मन में भाव जागे और विषय आलंबन उसे कहा जाता है जिसके कारण मन में भाव जागे उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया गया है यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय और सीता विषय होगी पहला है आश्रय लंबन अर्थात राम के मन में भाव जग रहा है इस कारण वह आश्रय लंबन होगा और किसके कारण जग रहा है सीता के कारण तो वह विषय लंबन होगा अगला है उद्दीपन जिस वस्तु या परिस्थिति को देखकर स्थाई स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं उसे उद्दीपन कहा जाता है उद्दीपन का तात्पर्य होता है वस्तु या फिर परिस्थिति से जैसे चांदनी कोकिल कुंजन कोयल के कुकने की आवाज़ चांदनी रात या फिर चांद को देखकर एकांत स्थल या फिर रमणीय उद्यान इन सभी को देखकर आपके मन में किसी प्रकार की उद्दीपन उत्पन्न होता है और उसी उद्दीपन की वजह से स्थायी भाव जागृत होते हैं अगला है अनुभव मन के भाव को व्यक्त करने वाला शरीर विकार अनुभव कहलाता है यह एक प्रकार की शारीरिक विकार होती है इसकी संख्या आठ मानी गई है पहला है स्तंभ श्वेद रोमांच स्वरभंग कंप, विवर्णता जिसे रंगहीनता कहा जाता है अश्रु और प्रलय ये आपके अनुभव के आठ प्रकार होते हैं और यह एक प्रकार का शारीरिक विकार होता है जो मन के भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है अगला है संचारी भाव या फिर इसे कहा जाता है व्याभिचारी भाव मन में संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव या फिर व्याभिचारी भाव कहा जाता है संचारी अर्थात संचरण करने वाला अर्थात आने जाने वाला मन में कोई भाव उत्पन्न होता है उसके बाद वह वापस चला जाता है इस प्रकार जो भाव होते हैं उसे संचारी भाव कहा जाता है संचारी भाव की कुल संख्या तैंतीस मानी गई है इन संख्याओं को याद रखिएगा कि कौन कितने प्रकार के होते हैं संचारी भाव की संख्या तैंतीस मानी गई है इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं जैसे हर्ष विषाद भय लज्जा ग्लानी चिंता शंका ये आपका अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शंका होता है तो वह आता है उसके बाद वो चला जाता है उसी प्रकार चिंता होती है और कुछ समय के बाद वह समाप्त तो हो जाती है हर्ष विषाद भय ये सभी भी इसी के अंतर्गत आते हैं इस कारण इसे संचारी भाव कहा जाता है अगला हम देखते हैं रस के प्रकार तो रस की संख्या आपकी कुल ग्यारह होती है मूल रूप से देखें तो रस की संख्या नौ होती है पहला है श्रृंगार रस श्रृंगार रस का स्थाई भाव होता है रति या फिर प्रेम परीक्षा में इससे पूछा जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा तो इसे याद रखिएगा रति या फिर प्रेम श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार मिलने पर होता है उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं अलग रहने की स्थिति में होगा तो उसे वियोग श्रृंगार कहेंगे अगला है हास्य रस इसका स्थायी भाव होता है हास यहाँ पर हमने उदाहरण को शामिल नहीं किया है क्योंकि परीक्षा में आपके अलग अलग प्रकार के उदाहरण पूछे जाते हैं तो आपको देख कर उसे अनुमान लगाना है कि वह किस प्रकार का उसमें रस है या फिर कौन से स्थायी भाव हैं अगला है करूण रस इसका स्थाई भाव होता है शोक वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध और भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय अगर किसी पंक्ति को पढ़कर आपके मन में भय उत्पन्न हो तो वह एक प्रकार का भयानक रस होगा किसी पंक्ति को पढ़कर क्रोध उत्पन्न हो तो वह उसमें रौद्र रस होगा इसी प्रकार उत्साह उत्पन्न होने पर वीर रस और किसी का शोकपत्र या फिर शोक से जुड़ा कोई संदेश पढ़ने पर अगर आपके मन में किसी प्रकार का रस उत्पन्न होता है तो वह रस होगा आपका करुण रस अगला है विध्वत्स रस इसका स्थायी भाव होता है जुगुत्सा या फिर घृणा किसी पंक्ति को पढ़कर अगर आपके मन में घृणा उत्पन्न होती है तो उसे विध्वत्स रस कहा जाता है अद्भुत रस इसका स्थायी भाव होता है विस्मय या फिर आश्चर्य किसी पंक्ति को पढ़कर अगर आपके मन में आश्चर्य उत्पन्न हो तो वह एक प्रकार का अद्भुत रस होगा उससे अद्भुत रस की उत्पत्ति होगी अगला है शांत रस इसका स्थायी भाव होता है सम या फिर निर्वेद वत्सल रस इसका होता है वात्सल्य रति अगर किसी बच्चे के प्रति आपके मन में प्रेम उत्पन्न हो तो वह एक प्रकार का वात्सल्य होगा और उससे वत्सल रस की उत्पत्ति होगी अगला है भक्ति रस भगवत विषयक जो कि रति और अनुराग होता है रस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं पहला है श्रृंगार रस को रसराज या फिर रसप्रति की संज्ञा दी गई है श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या होती है यह प्रश्न पूछा जाता है तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या आठ मानी गई है आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया है और उन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है रस के प्रतिष्ठापक हैं मम्मट ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि रस के प्रतिष्ठापक कौन है तो इनका आंसर होगा आपका मम्मट। अगला है रस को काव्य की कसौटी का किसने कहा है तो इसका आंसर होगा आपका विश्वनाथ ये भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो ये हुआ रस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको शिक्षक भर्ती से जुड़े सभी विषयों की वीडियो उपलब्ध कराते हैं